एवरीवन, दिस इज एडवोकेट राधिका शर्मा इन टर्निंग विद लेक्सिस एंड कंपनी। एंड आज का जो भी हमारा लेगा जो वीडियो का टॉपिक है, ट्रेडमार्क क्या है, व्हाट इज ट्रेडमार्क, उसके ऑब्जेक्ट क्या है। सो बेसिकली आ ट्रेडमार्क इज अ विजुअल सिंबल इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड, अ डिवाइस और लेबल अप्लाइड टू आर्टिकल ऑफ कॉमर्स विद अ व्यू टू इंडिकेट टू द परचेजिंग पब्लिक दैट इज अ गुड मैन्युफैक्चर्ड और अदरवाइज डेल्ट इन बाय अ पर्टिकुलर पर्सन एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम सिमिलर गुड्स डेल्ट और मैन्युफैक्चर बाय अदर पर्सन। एंड लाइक ये जो ट्रेडमार्क है बेसिकली एक सिंपल विजुअल सिंबल है इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड की फॉर्म में अ डिवाइस। वॉट लाइक इसमें ऑब्जेक्ट क्या है ट्रेडमार्क के, तो लाइक आई एस टू डील विद द प्रिसाइज नेचर ऑफ द राइट rights which a person can acquire is in respect of a TM like trademark, the mode of acquisition of such right, the method of transfer of those right to others, the precise nature of infringement of such right and the remedies available in respect thereof. In there are some functions of a trademark which are it identified the product of its origin and it guarantees its unchanged quality, it advertises the product and it creates an image for product, yani ek image bana deta hai product ki. And what is a good trademark, good trademark kya hota hai, लाइक नॉर्मली इट शुड बी ईजी टू प्रोनाउंस, यानी बहुत ईजी होना चाहिए प्रोनाउंस करने में एंड रिमेंबर इफ इट इट इज़ अ वर्ड मार्क। इन केस ऑफ अ डिवाइस मार्क शुड बी कैपेबल ऑफ बींग डिस्क्राइब्ड बाई अ सिंगल वर्ड एंड इट मे बी ईजी टू स्पेल करेक्टली एंड राइट लेजिबली, इट शुड नॉट बी डिस्क्रिप्टिव एंड इट शुड बी शॉर्ट, इट शुड अपील टू द आई एज वेल एज द ईयर, लाइक थोड़ा सा अपीलिंग लगना चाहिए। इट शुड नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ मार्क प्रोहिबिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन एंड इट शुड सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी जो भी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है ट्रेडमार्क की वो सेटिस्फाई करे उस लाइक रिक्वायरमेंट्स को। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइबर चैनल एंड कुछ भी अगर लीगल क्वेरी या कुछ भी लीगल नॉलेज हो आपका तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, थैंक यू।